हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर का वर्क करेंगे। हिंदी ग्रामर की बुक का नाम है आपका हिंदी व्याकरण एवं रचना पार्ट 1। आज हम करेंगे पार्ट 5, उसका नाम है शब्द और वाक्य। आप बच्चों को शब्द भी लिखने आते हैं और वाक्य भी लिखने आते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है वो हम ध्यान से इस पार्ट में पढ़ेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक में जो जिनका सही अर्थ निकलता हो। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं ना, और पढ़ भी रहे हैं। नीचे पढ़ेंगे, गुलाब है। ग पे छोटे की मात्रा है गु, ल पे आ की मात्रा ला, ब। तीन अक्षरों को जोड़ने पर और मात्रा लगाने पर ये शब्द बन गया गुलाब। अब इसी शब्द को आगे पीछे अक्षर कर दिए, ल पे आ की मात्रा ला, ग पे उ की मात्रा गु ब, लागुब। अब लागुब तो कोई भी शब्द नहीं होता और इसका कोई अर्थ भी नहीं। गुलाब देखने से पता चलता है, और पिक्चर ना भी हो हम आपको कहेंगे गुलाब तो आप समझ जाएंगे फूल बता रहे हैं। अगला चित्र है संतरा। स पे अंक की बिंदी सं, त र पे आ की मात्रा रा। तीन अक्षरों को जोड़ा, मात्रा लगाई तो बन गया संतरा। अब इसी शब्द को हमने गलत तरीके से लिखा, यानी कि त पहले लिखा है, फिर अपेय की मात्रा ता, फिर सं, तरांस। ये भी कोई, देखो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि कोई भी शब्द ठीक नहीं बना, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द गुलाब एक फूल का नाम है तथा संतरा एक फल का नाम है, परंतु लागू तथा तरांस शब्दों का कोई अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। अतः ये शब्द नहीं है बल्कि ये वर्ण समूह है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर, जो आप पढ़ते हो क ख ग। समूह मीन्स जोड़ दिए। अब हमने अक्षरों को तो जोड़ दिया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो जब हम पढ़ेंगे कि वर्ण समूह क्या होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि वर्णों को तो हमने जोड़ दिया लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं निकला। अतः हम कह सकते हैं कि, अब अतः मीन्स इसलिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए शब्द किसे कहते हैं, तो आप ये पूरा उत्तर देंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स सही अर्थ वाले। कुछ अन्य शब्द देखिए और पढ़िए। यह कमल, नयन, बतख, कटहल, शलगम। यहाँ शलजम लिखा है, शलगम भी बोला जाता है। जहां ज लिखा है तो ज बोलेंगे, ठीक है? तो मैंने भी शलगम कह दिया, शलगम कहते हैं। कहीं कहीं शलजम भी लिखा होता है, इसे शलजम भी बोलते हैं। अदरक। दिए चित्रों के नाम से आप समझ गए होंगे कि वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। अगर गलत होते क, अगर ल पहले होता, ल म कलम बन जाता, लेकिन कलम का चित्र होना चाहिए था। चित्र अगर दिया हो तो वही शब्द होना चाहिए। नयन, बतख, ये हमें चित्रों के अकॉर्डिंग शब्द दिए गए। तो ये हमने पढ़ा कि इनके अर्थ निकलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्य, यानी कि सेंटेंस। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है, तथा जिसका अर्थ नहीं निकलता उसे शब्द समूह कहते हैं। अक्षरों को जोड़ा तो क्या बना? शब्द। और शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? वाक्य। हमारा हेडिंग ही यही था पाठ का, शब्द और वाक्य। हमने शब्दों के बारे में पढ़ लिया पहले, अब वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। एक शब्द ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है? बंदर नाच रहा है। पिक्चर देख रहे हैं तो वाक्य पूरा बन गया, बंदर नाच रहा है। अब ये क्या है? घोड़ा दौड़ रहा है। नीचे पूरा वाक्य बना दिया। ये जोड़ा ना, जोड़ना का मतलब होता है जमा करना। जोड़ा एक शब्द इसको, फिर दूसरा शब्द जोड़ा, फिर तीसरा शब्द जोड़ा, फिर चौथा। घोड़ा दौड़ रहा है। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य सही है। बंदर नाच रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। ऊपर दिए गए
उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि इन शब्द समूहों से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अतः ये वाक्य हैं। यदि इन्हीं वाक्यों को निम्नलिखित रूप में लिखें तो अब नीचे पढ़ेंगे, है बंदर ना रहा नाच। ऐसे तो कोई भी नहीं बोलता ना, है बंदर रहा नाच। तो ये शब्द तो हैं, जोड़ दिया गया है, यानी कि समूह बना दिया गया है। शब्द समूह तो बन गए लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। अब दूसरा यही वाक्य लिया हमने, है घोड़ा रहा नाच। जो है बाद में है वो पहले लिख दिया, है घोड़ा रहा दौड़। तो ये वाक्य सही नहीं है। तो ये क्या है, इनका अर्थ में समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या कहलाएंगे, पढ़ेंगे इसे उपर्युक्त। ऊपर लिखे वाक्यों में से कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा, अतः ये वाक्य नहीं है। ये शब्द समूह है जिनका कोई भी वाक्यों का अर्थ समझ में ना आए तो वो शब्दों का समूह कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, वाक्य किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब ये पाठ हम पूरा पढ़ेंगे तो अगला पेज देखते हैं। हर पेज पे डेट डली हुई है, आप देख रहे होंगे। तो आज ये हम चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें पिक्चर्स ज्यादा हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, तो पेज चार हो जाए लेकिन काम थोड़ा ही है। ठीक है, कुछ अन्य वाक्य देखिए और पढ़िए। राधा नाच रही है, तो सही वाक्य है ना, राधा नाच रही है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। लाल रंग के शब्दों से जोड़ा गया है, यानी कि जमा किया गया एक एक शब्द को, फिर नीले रंग से वो वाक्य को पूरा इकट्ठा लिखा गया है, तो इनका सही अर्थ निकल रहा है। गायें घास चर रही है, तो पूरा वाक्य मिलाकर लिखना है, गायें घास चर रही है। शेर दहाड़ रहा है, तो ये भी वाक्य ठीक है, शेर दहाड़ रहा है। तो बच्चों, आप उपर्युक्त वाक्यों से समझ गए होंगे कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो ये सही वाक्य हैं, इन्हें हम कहेंगे वाक्य। और इनका अर्थ समझ में ना आ रहा हो और शब्दों को लिख दिया गया हो तो वो क्या कहलाएंगे, शब्द समूह। ठीक है, अब याद रखिए, प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य आता है। ठीक है, कहीं पे पूर्ण विराम लगता है, कहीं पे प्रश्न चिन्ह। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिन वाक्यों में, उनमें प्रश्न चिन्ह लगता है। अब मैं आगे बताऊंगी, प्रश्नवाचक कोई शब्द आ जाएगा तो फिर बता दूंगी कि कौन कौन से शब्द जो होते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने जाना, क्या जाना, ये वाक्यों को हमें याद कर लेना चाहिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य आता है। जब हम वाक्य पूरा कर लेते हैं तो ये चिन्ह जरूर लगने चाहिए। ठीक है, अब यह है प्रश्नावली, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब क भाग जो है, वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर। अक्षरों को जब मिलाते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द। तो शब्द पर हम टिक कर देंगे, वाक्य नहीं बनते, वाक्य किसे बनेंगे, शब्दों से। अब ख है, शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं, शब्द या वाक्य, वाक्य कहते हैं। इनकी डॉट्स ना बहुत दूर है तो आप ध्यान से देख लेना कि इसका राइट यहाँ। वैसे आप बच्चे क्या करते हो, उसी के साथ ही थोड़ी दूरी पर राइट रॉन्ग लगा देते हो, तो यहाँ पर डॉट्स जो इनके सर्कल जो बनाया ना, दूर है काफी। ग पार्ट,
निम्नलिखित में सार्थक शब्द है। कमल, कमल का उल्टा पुल्टा लिख दिया ल भ क, अब इसका तो कमल का नहीं कोई भी शब्द लिखा है लभक। अब लभक बोल देंगे आप, कहोगे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या बोल रही हैं मैम, तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। कमल बोलते ही आप समझ जाते हैं कि फूल का नाम है, तो सार्थक शब्द है ये, तो इस पर टिक करेंगे। अब अगला प्रश्न करेंगे, चित्रों को उनके नामों के वर्णों के सही क्रम से मिलाइए। चित्र दिए गए हैं चार, अब उन जैसे मछली यानी कि वर्णों के सही क्रम से, मछली कहां से शुरू होता है, म से, ये लिखा है मछली, तो हमने इस यहां पर म से मछली मिला देना है। ये है बुलबुल, तो बुलबुल कहां है, ये लिखा है बुलबुल। और ये क्या है, बकरी, ब से बकरी, तो बकरी को बकरी से मिला देना है। और ये क्या है, पपीता, तो ये है प, प से पपीता, ये मिला दिया। अब देखो बकरी को यहाँ पर उल्टा सीधा लिखा था, ब लास्ट में फिर क री, तो री पहले आया, री कब, तो री कब तो नहीं होता। यहाँ पपीता ठीक है, यहाँ गलत है, प पी ता होना चाहिए, यहाँ लिखा है पी ता प, तो ये रॉन्ग है। ये लब्बू लब्बू लिखा है, तो ये लब्बू लब्बू तो नहीं है ना, बुलबुल है। तो अक्षर देखना था सही वर्णों के क्रम से, कि जो अक्षर आवाज कौन सी आ रही है, लब्बू लब्बू, अब यहाँ पर ये गलत था, इससे मैच कर देते तो गलत हो जाता, तो हमने यहाँ पर मैच किया कि सही लिखा है, तो ये है मछली, यहाँ मैच किया, यहाँ लिखा छ ली म, तो क्या होना, ये म पहले आना है, म छ ली, तो ये गलत लिखा है, तो इनका कोई अर्थ भी नहीं है। सही अर्थों वालों को, शब्दों को हमने सही चित्रों से मिलान किया है। अब अभ्यास कार्य में ये भी रह गया है, पाठ पढ़ाया था आपको पूरा आज और अभ्यास कार्य करवाया है, तो अभ्यास कार्य में बहुत अच्छा है, मेन ये तीन प्रश्न है और वो जो खाली स्थान भरे ऑप्शन वाले पर मैचिंग किया वो बुक में करना। अब तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर नीचे लिखे शब्द समूहों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। अब सही वाक्य बनाना है, यहाँ पर गलत शब्द लिखे हुए हैं आगे पीछे, तो सही क्रम से लिखेंगे। अब यहाँ माता जी खाना बना रही है, रही माता जी खाना बना, तो क्या आएगा, माता जी अब आप बोलोगे माता जी किसको कहते हैं, मम्मी को, मम्मी खाना बना रही है ऐसे बोलते हो ना, माता जी खाना बना रही है, इस तरह से लिखेंगे, वाक्य पूरा हो गया। अब दूसरा, यहाँ इस लड़की का नाम है छवि, छवि है रही गुड़िया खेल से, अब कहीं समझ में आया ये वाक्य, नहीं, छवि गुड़िया से खेल रही है, तो हम सही वाक्य बनाएंगे, छवि, इस लड़की का नाम छवि है, किससे खेल रही है, उसके हाथ में गुड़िया है, छवि गुड़िया से खेल रही है। अब तीसरा वाक्य पढ़ेंगे, है ना नहा अमन रहा, अब ये बच्चा जो है इसका नाम है अमन, अमन क्या कर रहा है, नहा रहा है, तो हम पहले उसका नाम लिखेंगे, अमन नहा रहा है, तो सही वाक्य बन जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना, इसे तो समझ में नहीं आया ना आपको, है नहा अमन रहा, तो ये वाक्य सही नहीं है, हमने क्या बनाना है, अमन, मैं नहा पहले लिखने लगी थी, अमन पहले बच्चे का नाम लिखेंगे, अमन नहा रहा है। देखो बच्चों, जब मैं पढ़ाते समय लिखती हूँ ना, उसमें समय ज्यादा लगता है, तो इसलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम पहले से ही लिख देते हैं,
ताकि आपको पढ़ाने में सुविधा हो और लिखने के लिए जो है समय हमारा बच जाए। अब ये है प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? हमने पाठ में पढ़ लिया, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे याद करना है और अच्छी तरह से लिखना भी है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। अब शब्द समूह किसे कहते हैं? जिन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे शब्द समूह कहते हैं। जैसे ये वाक्य लाल रंग से लिखे हुए हैं ना, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये वाक्य तो बना दिए गए लेकिन जोड़ दिए गए, ये शब्द समूह है, तो ये सही वाक्य नहीं है। ठीक है, शब्द समूह आपको पता होना चाहिए, याद करना अच्छी तरह से तो याद हो जाएगा आपको, फिर समझ में भी आ जाएगा। अब प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर चार चित्र दिए गए हैं, बिना मात्रा वाले ही हैं, कोई मात्रा नहीं लगी हुई इन अक्षरों में। अजगर, अदरक, अचकन, बरगद। अब देखेंगे अ च क न, तो पहला यहाँ पर क्या आएगा? अचकन। हाँ, अगर शुरू से भी पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अक्षर इसमें आए हैं। मैंने तो ऐसे जोड़ दिया ना क्योंकि मुझे पता है, तो आप तो ऐसे नहीं एकदम ढूंढ सकते। ऐसे पढ़िए, र ग द ब, तो क्या बना शब्द? ब र ग द। एक तो पिक्चर देख लेंगे और उसके साथ फिर अपने आप उस शब्द को लिखेंगे, उसके अलावा कोई शब्द नहीं लिखना, जो चित्र दिया गया वही लिखना है। द र अ क, तो क्या बना? अदरक। अ द र क, तो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं अक्षर यानी कि वर्ण, इनको जोड़कर सही शब्द बनाया हमने। र ज अ ग, क्या बना? अ ज ग र, क्या बन गया? अजगर। कौन कौन से प्रश्न आपने बुक में भरने हैं और कौन कौन से अपनी कॉपी में करने हैं, मैं एक बार बता दूं। ये आप बुक में करेंगे, प्रश्न एक, प्रश्न दो भी बुक में करेंगे, प्रश्न 3 भी बुक में करेंगे और प्रश्न 4 के जो हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, और ये 5 प्रश्न भी, इनको भी बुक में तो करना ही है लेकिन मेन जो क्वेश्चन है या 3 आपके प्रश्न उत्तर, ये कॉपी में करेंगे और प्रश्न 5 भी बुक में भरेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपना काम बहुत सुंदर कीजिए, ऐसा देखना कि मैम से भी अच्छी राइटिंग हो आपकी, मैम तो बहुत जल्दी जल्दी लिखती हैं, आप बड़े आराम से सुंदर सुंदर काम कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।